बच्चों से भरी स्कूल बस सड़क किनारे गड्ढे में पलटी, 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। घायल छात्र की मां ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर लापरवाह बस ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग की। अपना मंथन के तमाम दर्शकों को विजय पांडे का सादर नमस्कार। शहर और गांव की खास खबर के लिए आप देखते रहें अपना मंथन। जो हमारे चैनल पर नए हैं, हम उन्हें कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शहर और गांव की खास खबर तथा प्रेरक कथाओं के लिए आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। नवादा जिले के पकरी ब्रावा प्रखंड के धमौल थाना क्षेत्र के रिवार मोड़ के पास एक स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। गड्ढे में गिरने से कई बच्चों को चोटें आई हैं, वहीं 3 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने जैसे ही बस पलटी मारते देखा, सभी लोग वहां पर पहुंचकर बस में से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकलने लगे। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंच गई। बच्चों को सुरक्षित बस से निकाला गया है। घायल बच्चों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। इस घटना में किसी प्रकार की हताहत की कोई खबर नहीं है। घटना के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंच गई है। वहीं घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर की लापरवाही से यह हुआ हादसा। ये स्कूल बस जमुई जिले के निजी विद्यालय केरला इंग्लिश स्कूल का बताया जा रहा है। घटना के संबंध में धमौल थाना के थानाध्यक्ष हिमांशु कुमार पप्पू ने बताया कि घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों को सुरक्षित बस से निकाला गया है। इस घटना में कुछ बच्चों को हल्की चोटें आई हैं, सभी का इलाज कराया जा रहा है। बस को धमौल पुलिस थाने लेकर आ गई। लोगों का कहना है कि स्कूल बस में सीट बाय सीट नहीं बिठा कर सहित बच्चे को जैसे तैसे ले जाया करता था। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है। वही बस ड्राइवर को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वही रिवार गांव की घायल छात्रा ज्योति कुमारी की मां बबीता देवी ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर तेज गति से वाहन चलाने एवं लापरवाही बरतने को लेकर बस ड्राइवर पर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जन्म में मोबाइल पे बतिया रहा था, मतलब है थोड़ा ज्यादा माथा कबार पटे। कहाँ पे है? तो बच हाँ, ज्यादा चोट नहीं है? मतलब ज्यादा मतलब देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा। मोलबा चलो बाबू तू नहीं किसका है यार, चलिए आप साहब। हेलो महाराज, केरला ला सही नहीं रखता है, क्लियर बात है। लाइसेंस इसके पास है? लाइसेंस दिया है? मेरे पास नहीं है। आप इसको आदेश कैसे दे दिए गाड़ी? क्या है ड्राइवर का? अरे अगर आपके पास ड्राइवर नहीं तो गाड़ी खड़ा करके रखिए, बच्चे को क्यों मांग रहे हैं? भविष्य होता तो उसका जिम्मेदारी कौन बनता? अगर बच्चा मर जाता, नसीब नसीब को गाड़ी आप दे दिए, उनका भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका मतलब आई जो है गाड़ी निकल के भाग रहा था, इसको जान मार देता अभी तुरंत। अगर नहीं दौड़ते ना हम लोग, इसको जान मार देते। पूछो भागा कि नहीं? जब इसको बोल तुम अस्थिर रहो, निकाला है नीचे हेल के, तुम निकाला है, मारेंगे तुम मारेंगे। एक को नहीं निकाला है।
भाई सही सही बोलो परेशान है जलाना है बताइए जब देखिए पहले कैसे एक्सीडेंट किया है कहीं एक्सीडेंट होने का कोई जगह नहीं है जितना ही स्पीड में लेकर आ रहा था गाड़ी हम खुद यहाँ पर खड़ा थे मोड़ पर खड़ा थे क्या नाम हो गया बाबू कौन स्कूल में पढ़ती हो बस कैसे पलटी मार दिया और मोबाइल पे भी बात कर रहा था क्या नहीं तुम देखी थी या नहीं देखी थी देखे मोबाइल में नहीं बात कर रहा था अब खाली गाड़ी कैसे कैसे घुमा दिया और बच्चा कहाँ शहर और गांव की खास खबरों के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।